तो हेलो दोस्तों, फिर से एम कुमार टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए मैं फिर से एक आइबल पावर बैंक को लेके आया हूँ, जो कि ये इसका बैटरी ख़राब हो चुका है, इसका बैटरी ज़्यादा ओवर फूल चुका था। तो चलिए मैं आज फिर, तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस पावर बैंक में इसकी जो बैटरी थी पहले वाली बैटरी वो ख़राब हो चुका था, फूल का पूरा ख़राब हो चुका, इसीलिए मैं उसमें पानी जेल निकल रहा था, इसीलिए उसको फेंक दिए। तो चलिए देखिए मैं यहाँ पर दूसरा डुप्लीकेट यानी कि ऐसे ही लोकल पावर बैंक को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बैटरी उसका तो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा USB है ये भी ख़राब था, थोड़ा हिल रहा था USB फीमेल पोर्ट, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा सोल्डरिंग से इसको इसका पिन को थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते हैं अच्छा से, कि फ्रेश हो जाएगा तो अच्छा हमारा जो है पावर आने लगेगी, और हिल रहा था थोड़ा, ये भी मजबूत हो जाएगा। तो इसे बारी के बारे देख लीजिए कि एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, उसे चारों पिन को एक साथ धीरे धीरे करके इसे सोल्डरिंग की सहायता से रिफ्रेश कर देना है। तो सब देख पा रहे हैं कि ये रिफ्रेश हो चुका है, इसका जो है ये कनेक्ट है एक प्लस एक माइनस, जबकि यहाँ पे बैटरी लगी। तो आप पहले देख सकते हैं कि पहले वाली बैटरी का ये जो टूट गया है, मैंने हटा दिया था इसको, फूल चुका था उसमें पानी निकल रहा था, तो उस बैटरी को मैंने हटा दिया ताकि मेरा जो है किट वो सही सलामत रहा। तो अब देख पा रहे हैं जो ये बैटरी मैंने यूज़ कर रहे हैं ये लोकल बैटरी है, ये सही पावर बैंक, ठीक है। यानी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको मतलब ये इसे लगाने के लिए आप ये जो है पावर बैंक आइबल का ये बैटरी कनेक्ट हो पाता है यानी कि चलता है के लिए। तो देखते हैं अभी इसे कनेक्ट करके हमारा ये काम करते हैं। ये भी थोड़ा हल्का सा फुला हुआ बैटरी है, लेकिन हमें चाहिए अभी, तो अभी ज़रूरी है काम करने के लिए, इम्पोर्टेंट कि जरूरी समय पर ही काम आता। तो चलिए दोस्तों मैंने इसे कनेक्ट कर लिया, देखें ये जो प्लस है इसे कनेक्ट करना है, प्लस कनेक्ट हो चुका, अब माइनस पे कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए कनेक्ट हो चुका है बैटरी हमारा अच्छे से। अब इसमें कुछ हमें टेप लगा लेना है ताकि बोर्ड जो है किट पे शॉर्ट ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे टेप इस कर दिया हूँ ताकि बॉडी पे टच ना हो और शॉर्ट ना हो। आप इसे देख सकते हैं जो रेड कलर कितना थोड़ा ये ब्लैक कलर का है। ये दोस्तों बता देते हैं ये क्या है। ये दोस्तों जब भी मेरा जो बैटरी है ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो मेरा बैटरी है वो मतलब ओवर चार्ज हीट होने से यानी कि बैटरी जो ब्लास्ट होती है ये जैसे हीट होगा इसे ऑटोमेटिक ये डिस्कनेक्ट कर देगा और हमारी जो बैटरी है वो ब्लास्ट होने से बचेगा, क्योंकि 10,000 mAh की जो बैटरी ये कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। ये ब्लास्ट करती है तो फिर बहुत ही भयानक, इसीलिए उस दिए। अब देखते हैं दोस्तों चार्जर मैंने पिन यहाँ लगा दी है पॉइंट चार्जर का, और जो कि देख पा रहे हैं आप चार्ज हो रहा है बहुत ही आसानी से, यानी कि हमारी जो बैटरी है वर्क कर रही है। तो कोई भी मैंने बैटरी मैंने यहाँ पर लगा दिया तो चलिए ये काम कर रही है, यानी कि बैटरी लेकिन सही होना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह अपने होममेड घर पर इस तरह बना सकते हैं, खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि और आने वाली वीडियो में इसी तरह यानी कि बिल्कुल फ्री कॉस्ट में आपको सब कुछ बताया जाएगा। थैंक यू।